शोरशे इलिश बंगालीज की बहुत ही फेमस डिश। इसे हिल्सा फिश भी कहा जाता है। इसे बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर इसके पहले आपने ये रेसिपी कभी भी ट्राई नहीं की तो एक बार इसे ज़रूर बना के देखें, क्योंकि 10 से 12 मिनट के अंदर ये बनके तैयार होती है और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ बनी हुई ये रेसिपी राइस या फिर रोटी के साथ बेहद टेस्टी लगती है। इलिश फिश के कुछ पीसेस लिए हैं, जिन्हें अच्छे से साफ करके धो लिया है। इन्हें हमने मैरिनेट करना है। इसे मैरिनेट करने में बहुत ज़्यादा चीज़ें हम नहीं डालेंगे, क्योंकि फ़िश का अपना ही एक अलग सा टेस्ट होता है और जिसे बरकरार रखने के लिए बेहद कम मसालों के साथ इसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी हम डालेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन दोनों को फिश के ऊपर हम अच्छे से रब कर लेंगे और हमारा मसाला तैयार होने तक इसे ऐसे ही छोड़ लेंगे। उतने समय में ये अच्छे से मैरिनेट हो जाती है। तो इसके मसाले के लिए यहाँ पे एक बड़ा चम्मच मैंने ब्लैक सरसों के दाने लिए हैं। इसे में हम डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें, थोड़ा सा नमक। नमक डालने की वजह से ये अच्छे से पीसा जाता है और इसे पीसने के लिए थोड़ा सा पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसकी एक महीन सी पेस्ट तैयार करेंगे। कई बार यहाँ पे ब्लैक मस्टर्ड सीड्स के बदले येलो या फिर रेड मस्टर्ड सीड्स का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन आज हम इसे ब्लैक मस्टर्ड सीड्स के साथ बनाएंगे। ये पेस्ट तैयार है तो इसे एक छन्नी के ऊपर डाल के हम अच्छे से इसे छान लेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट छानने की वजह से इसके दरदरे दाने बाहर होते हैं और हमारी ग्रेवी में बहुत ही सिल्की और स्मूथ क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। तो इसे ज़रूर से छान लें। ये पेस्ट हमारी तैयार है। एक फ्रेश पैन में हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म करना है, क्योंकि सरसों का तेल जब गर्म होता है तभी उसके अंदर बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो इसे अच्छे से गर्म होने दें। नेक्स्ट डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच काला जीरा, वन पिंच हल्दी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कश्मीरी रेड मिर्ची पाउडर। ध्यान रखें कि हमने पहले भी हरी मिर्ची का उपयोग किया हुआ है, तो बस कलर के लिए यहाँ पे हम रेड मिर्ची पाउडर का यूज़ करेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे एक कप के करीब करीब और पानी में हम अच्छे से उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी अच्छे से उबलने लगे, इसके बाद हमने जो मैरिनेट की हुई फिश थी उसे हम अच्छे से एक एक करके इसमें सेट कर लेंगे। अब इसे ऊपर से कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। फिश हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी है। इसी स्टेज में बारी आती है मस्टर्ड पेस्ट को डालने की। मस्टर्ड पेस्ट ही इस करी का बेस होता है, तो इसे डाल के हमने हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। फिश हमारी बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, तो बहुत हल्के हाथ से इसे मिक्स करें और इसके बाद इसमें जैसे ही उबाल आए तो इसी स्टेज में इसमें ऐड करेंगे ऊपर से कुछ कच्ची मिर्चें, एक चम्मच सरसों का कच्चा ऑयल और कुछ धनिए के पत्ते। इन सारी चीज़ों को ऊपर से डालने के बाद इस करी का टेस्ट और भी ज़्यादा खुलता है। बस इसे अभी थोड़ा सा हम ढक देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ग्रेवी ने सारा ऑयल अच्छे से रिलीज़ कर लिया है। इस ग्रेवी का कलर सेट करने की एक बहुत ही सिंपल ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। इसी स्टेज में हमने गैस को बंद करना है और एक चम्मच की मदद से इस करी को हमने हल्के हाथ से हिलाना है। ध्यान रखें कि पीसेस को हमने टूटने नहीं देना है, बट इसके साइड में जितना भी ऑयल चिपका हुआ है इसे भी हम चम्मच से निकाल लेंगे और हल्के हल्के हाथ से हमने ग्रेवी के सारे पीसेस को अच्छे से हिलाना है, जिसकी वजह से इसके अंदर का सारा जो ऑयल है वो सरफेस के ऊपर तैरने लगता है और जैसे जैसे ये ठंडी होने लगती है उतना ही इस ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया कलर आने लगता है। तो ये फिश करी हमारी तैयार है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। गरम गरम राइस के साथ इसे आप खा सकते हैं या फिर रोटी के साथ भी इसका मज़ा लिया जा सकता है। तो आज की ये फिश करी की रेसिपी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर नॉनवेज खाने के आप शौकीन हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।